नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस टेक्निकल वीडियो में। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में विंडोज 7, 8 या 10 यूजर हैं, विंडोज 7, 8, 10 यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको ये पता होनी चाहिए कि विंडोज जो है वो एक पेड वर्जन वाली सॉफ्टवेयर है, यानी पेड सॉफ्टवेयर है, वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, वो फ्रीवेयर नहीं है, फ्री नहीं होती है। ओके, माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि विंडोज आपका एक्टिवेटेड है या नहीं है, क्योंकि अगर आपका विंडोज एक्टिवेटेड नहीं होगा तो ऐसे में आपके पास जो है आपके डेस्कटॉप पे ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, आपके थीम्स जो है काम नहीं करेगी और साथ में वाटरमार्क नीचे में लग जाएगी कि योर कॉपी ऑफ विंडोज इज नॉट जेन्युइन, ओके, या विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, ऐसे करके मैसेज आएगी आपके माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में, जिसके कारण आप अपने डेस्कटॉप पे वॉलपेपर तक सेट नहीं कर सकते हैं, थीम्स तक सेट नहीं कर सकते हैं। ओह नो, यानी आपके पास जो है सैड फेस जो है दिखने को मिलेगी, यानी आपका जो फेस है वो सैड हो जाएगी, क्योंकि आपके जो वॉलपेपर है वो आप सेट नहीं कर पा रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जो भी आप मनपसंद वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं, प्लस जो भी थीम्स की सर्विस है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, और भी ऐसे कई सारे फंक्शनैलिटी हैं जो विंडोज अगर एक्टिवेटेड ना हो तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में आपके जो विंडोज 7, 8, 10 है, जो भी आप लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाइए और ये चेक कीजिए कि आपका जो विंडोज है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, यानी वहां पे एक मैसेज आएगी विंडोज इज एक्टिवेटेड। ओके, और साथ साथ यहां पे ये तो पता चल गई दोस्तों कि विंडोज जो है वो एक्टिवेटेड है, लेकिन अगर क्या हो जब आपको कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ओके, ये मैसेज आए कि योर कॉपी ऑफ विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, तो ऐसे में आपको एक कमांड यूज करनी चाहिए slmgr.vbs, ओके, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मैनेजर, जो कि एक विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंक्लूड रहती है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें और slmgr.vbs/xpr टाइप करें, xpr जो कि एक स्विच है एक्सपायरी डेट बताने की। ओके, तो आप slmgr.vbs/xpr स्विच का इस्तेमाल करें, कमांड का इस्तेमाल करें और इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी 2-3-4-5 सेकंड के अंदर में, एक छोटा सा विंडो जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपके जो विंडोज हैं वो कब तक एक्सपायर होने वाली है या लाइफ टाइम के लिए वो एक्टिवेटेड है। ओके, तो इस केस में यानी इस कमांड के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जो विंडोज है वो एक्सपायर कब होने वाले हैं या लाइफ टाइम के लिए वो एक्टिवेटेड है। ओके, इसके साथ साथ और भी कई सारे कमांड है, slmgr.vbs/ipk जो कि इंस्टॉल प्रोडक्ट की है, /dli जो कि डिटेल लाइसेंस इंफॉर्मेशन आपको बताएगी, dlv जो कि आपको ये भी आपको डिटेल लाइसेंस इंफॉर्मेशन जो है बताएगी। इसके साथ साथ आप slmgr.vbs के साथ और कई सारे जो है स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंपली अगर आप चाहते हैं कि और भी कौन कौन से ऐसे स्विच होते हैं जो कमांड होते हैं जो slmgr.vbs के साथ यूज किया जाता है, तो आप ऐसे में सीधे slmgr.vbs कमांड इंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी उसके साथ कमांड लाइन यूज किया जाएगा, स्विच जो भी स्विच यूज किया जाएगा वो आपका लिस्ट सामने में दिख जाएगी। ओके, और जो भी स्विच का इस्तेमाल आप करना चाहें उसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी वहां पे लिखा हुआ होगा, जो भी स्विच आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। slmgr.vbs एक स्क्रिप्ट है जो कि विंडोज के साथ इंक्लूड रहती है, आपको कहीं से भी डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यानी slmgr.vbs के थ्रू आप एक्सपायरी डेट का पता लगा सकते हैं, जो कि माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में ये पता नहीं लगा पाते हैं आप कि जो विंडोज है वो एक्टिवेटेड तो है लेकिन कितने दिनों तक एक्टिवेटेड है। ओके, तो ये जो कमांड थी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसमें एक और कमांड होती है slmgr.vbs/upk अनइंस्टॉल प्रोडक्ट की। ओके, इसका इस्तेमाल आप प्रोडक्ट की को अनइंस्टॉल करने के लिए, हटाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप ipk लगाएंगे तो इंस्टॉल प्रोडक्ट की स्पेस जो आप प्रोडक्ट की खरीद के लाए हैं वो जो है 25 कैरेक्टर के होंगे, वो आपको इंटर करने होंगे। ओके, सो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि इस slmgr.vbs कमांड के थ्रू आप ये विंडोज के एक्टिवेशन का पता लगा सकते हैं, और जब आप विंडोज के जो लाइसेंस
स्टेटस को चेक करेंगे अपने slmgr.vvs वाले कमांड में, तो इसमें आपको लाइसेंस स्टेटस लाइसेंस दिखाई देगी। यस माय डियर फ्रेंड, ओके। सो आपको यहां पे जो विंडोज मिलती है वो ट्रायल मोड में 30 डेज के लिए मिलती है। तो जब आप slmgr.vvs/dli/dlv कमांड यूज करेंगे तो जो लाइसेंस स्टेटस होगी वो नोटिफिकेशन मोड में दिखाई देगी, ओके। सो ऐसे केस में आपको ये पता होनी चाहिए कि विंडोज को एक्टिवेट करनी होती है, और देन विंडोज एक्टिवेट होने के बाद आपको ये कमांड यूज करना चाहिए slmgr.vvs/xpr, जिससे ये पता चल सके कि विंडोज जो अभी एक्टिवेट हुई है वो एक्सपायरी कब होगी या लाइफ टाइम के लिए जो है एक्टिवेटेड है, ओके। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। इस तरह के टेक्निकल वीडियो जो है हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सिक्योरिटी हैकिंग के ऊपर मोबाइल रिव्यू से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड जो है वीडियो बनाते हैं, YouTube पे अपलोड करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू दोस्तों।